नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान इस समय अपनी फिल्म पठान को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं और अब उन्होंने सऊदी अरब के कल्चर मिनिस्टर बद्र बिन फरहान अल साउद से मुलाकात भी की है। इस दौरान बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार, सलमान खान और सैफ अली खान भी उनसे मिलते हुए दिखाई दिए हैं। इसी के साथ शाहरुख खान ने अपने घर मन्नत में सऊदी अरब के रेड सी फिल्म फेस्टिवल के अध्यक्ष मोहम्मद अल तुर्की से भी मुलाकात की है। तस्वीरें देखने से लग रहा है कि शाहरुख खान ने सऊदी के कल्चर मिनिस्टर की भी अपने घर मन्नत में ही मेजबानी की है, लेकिन ये साफ नहीं है कि सऊदी के कल्चर मिनिस्टर से मुलाकात की तस्वीरें शाहरुख खान के घर मन्नत की ही हैं। शनिवार को रेड सी फिल्म फेस्टिवल के अध्यक्ष मोहम्मद अल तुर्की ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से शाहरुख खान के साथ पोज देते हुए एक तस्वीर शेयर की है जिसमें दोनों मुस्कुराते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस तस्वीर को शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन में लिखा है, मेरे भाई शाहरुख खान के साथ भारत में रमजान की शुभकामनाएं। इसी के साथ उन्होंने लोकेशन में मन्नत को टैग किया है। इसके अलावा सऊदी अरब के कल्चर मिनिस्टर बद्र बिन फरहान अल सऊद ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से भी एक तस्वीर शेयर की है जिसमें वो बॉलीवुड स्टार से मिलते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान शाहरुख खान के अलावा सलमान खान, सैफ अली खान, अक्षय भी उनसे मुलाकात करते हुए दिखाई दिए हैं। इन तस्वीरों को शेयर करते हुए सऊदी के कल्चर मिनिस्टर ने लिखा है, बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान, सलमान खान, अक्षय कुमार, सैफ अली खान के साथ फिल्मों की खूबसूरत दुनिया पर व्यवहारिक बातचीत में शामिल होने की खुशी है। बॉलीवुड स्टार के साथ क्रॉस कल्चर कोलैबोरेशन। इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि सभी स्टार सऊदी मिनिस्टर बद्र बिन फरहान अल सऊद से मुस्कुराते हुए मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि जहां अक्षय कुमार उनसे हाथ मिलाते हुए दिखाई दिए तो वहीं बाकी स्टार्स भी उनके साथ बैठकर पोज देते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान बद्र बिन फरहान भी काफी खुश नजर आ रहे थे। बात करें शाहरुख खान के वर्क फ्रंट की तो हाल में ही वो स्पेन से फिल्म पठान की शूटिंग कर वापस लौटे हैं। आपको बताते चलें कि जब से सऊदी अरब के कल्चर मिनिस्टर से बॉलीवुड सुपरस्टार ने मुलाकात की है तभी से ऐसी चर्चाएं हो रही हैं कि बॉलीवुड कोई बड़ी अनाउंसमेंट करने वाला है। खैर, इसकी अनाउंसमेंट कब होगी ये तो सही वक्त आने पर ही पता चलेगा। वैसे आपका इस खबर पर क्या कहना है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ। साथ ही बॉलीवुड से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए हमारे साथ बने रहें।